हरियाणा के नू में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते वाले बयान पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि यदि खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाते में असमर्थ हैं तो इस्तीफा दें और हमें कमान सौंपे, हम दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को सुरक्षा कैसे दी जाती है। हरियाणा के नू में हिंसा के चलते 6 लोगों की मौत की आधिकारिक जानकारी है, इसमें 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक शामिल है। हिंसा के खिलाफ पुलिस का एक्शन मोड जारी है, 18 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हिंसा को लेकर दिया गया बयान विपक्ष को रास नहीं आया। ट्विटर पर वीडियो के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नू की घटना पर मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि प्रदेश में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है और हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, बेहद गैर जिम्मेदाराना है। यदि खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हैं तो इस्तीफा दें और हमें कमान सौंपे, हम दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को सुरक्षा कैसे दी जाती है। हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कभी कोई दंगा नहीं हुआ और कभी कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। खट्टर साहब के इस बयान से न केवल आम जनता का मनोबल टूटेगा अपितु अपराधियों के हौसले भी बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का पहला काम है। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नू हिंसा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि राज्य की आबादी 2,07,00,000 है जबकि पुलिस बल महज 60,000 है। इतने संख्या बल के साथ हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। खट्टर के बयान पर विपक्ष बिफरा हुआ है। दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बयान बहुत दुखद और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। ये बयान आम आदमी को, हरियाणा के हर हरियाणा वासी को निराश करने वाला है और ये बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि उस सरकार के तहत उस प्रदेश में आने वाला हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, अपना जीवन यापन करते हुए एक सुरक्षा का एहसास हो हर नागरिक को। अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाई सरकार, सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तो अपनी जिम्मेदारी में फेल है सरकार। ये जो आज कहा है बहुत दुखद है और यदि ये सरकार खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असक्षम है और कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे, हम दिखाएंगे। हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में, कहीं एक कानून व्यवस्था की विफलता का कोई बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिला हरियाणा में, तो हम वो दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सुरक्षा का वातावरण बनाकर हम देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ये सरकार की विफलता की वजह से आज ये हालात बने हरियाणा में। अब सबसा सरकार प्रदेश में भाईचारा और शांति बनाने के लिए कम से कम सारे उचित कदम उठाए, हम सरकार से ऐसी मांग करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।